नमस्कार, मैं हूं पुनीत सिंह। आप देख रहे हैं देश का पहला इंटरेक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में हमारे इस खास प्रोग्राम अमर उजाला द प्रीव्यू में। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म हनुमान वर्सेस महारावणा के बारे में। ये एक एनिमेटेड फिल्म है जिसे 3D और 2D दोनों में रिलीज किया जाएगा। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राम और लक्ष्मण की कहानी है, जो कि रामायण में अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। और इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से हनुमान राम और लक्ष्मण को एक राक्षस से बचाते हैं जो कि रावण का भाई है, किस तरह से उसका संहार किया जाता है और उसके अस्त्र नष्ट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आखिरी में उसे जीवन दान दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता लोगों में बहुत ज्यादा है। फिल्म को 3D और 2D दोनों में रिलीज किया जा रहा है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यशराज फिल्म्स। इससे पहले एनिमेशन फिल्म छोटा भीम को भी यशराज रिलीज कर चुका है, जिसे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अगर इस फिल्म की बात करें तो फिल्म को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से पारिवारिक कहानी बताई जा रही है। ग्रीन फील्ड एनिमेशन कंपनी ने एनिमेशन पर बहुत ज्यादा काम किया है। हर किरदारों को बहुत अच्छे से सजाकर फिल्म पे दिखाने की कोशिश की गई है। फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप एनिमेशन के दीवाने हैं तो इस फिल्म को देखने से आप नहीं चूक सकते। ट्रेलर ठीक ठाक था, और भी अच्छा हो सकता था, थोड़ा अटखटा सा लगा, मगर एक्शन बहुत है, एक्शन सीक्वेंस बहुत है, वही ज़्यादा अच्छा लगता है अभी आजकल के यूथ को कि एक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है देखने को। मतलब सुबह बैठे ना तब एंड तक देखने का मन करे, हर मोमेंट पे ये लगे कि आगे क्या होने वाला है, ये एक चाहिए वो फिल्म में थ्रू आउट द फिल्म। ट्रेलर तो देख के नहीं लगता इतना। अच्छा, क्यों एक्साइटमेंट क्यों नहीं? ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं आया? उसका डायलॉग अच्छा है और एक्शन सीन्स कुछ पसंद नहीं आया ठीक है, मतलब इतना कुछ इतना एक्सपेक्टेड था उतना पता नहीं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगे कि रिव्यूज़ अच्छे आने के बाद? रिव्यूज़ अच्छे। हनुमान वर्सेस महारावणा को बहुत पहले ही रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन यशराज फिल्म्स ने यह फैसला लिया कि इस फिल्म को 3D में भी सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज किया जाए, जिसके चलते इसमें देरी हुई। इससे पहले इसे लगभग 22 जून के आसपास रिलीज की जाने की तैयारी थी। वहीं दूसरी तरफ हिंदी की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इसे जब रिलीज किया जाए उसके आसपास कोई भी फिल्म ना आ रही हो। इस फिल्म को रिलीज करने के लिए थोड़ा वक्त लिया गया तो इसे 3D में भी कन्वर्ट कर दिया गया। फिल्म का एनिमेशन पर बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान दिया गया। इससे पहले यशराज फिल्म ने छोटा भीम रिलीज की थी, छोटा भीम को भी बहुत ज्यादा तारीफें मिली थी। और वहीं दूसरी तरफ हनुमान वर्सेस महारावणा का भी इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे हैं और लोगों में उत्सुकता काफी ज्यादा है इस फिल्म को देखने की। आइए बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म। ये एक हॉलीवुड फिल्म एड्रिफ्ट है। इस फिल्म की कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये दोनों दोस्त समुद्र की ये जो लड़ाई है उसको लड़कर बाहर आते हैं, जिसमें से एक दोस्त पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है और दूसरा दोस्त उसकी कैसे मदद करता है। प्रकृति के इस महा प्रकोप से ये दोनों एक दूसरे को कैसे बचाते हैं, और ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि क्या ये दोनों किरदार फिल्म में जिंदा बचते हैं और क्या ये लड़ाई जीत कर वापस लौटते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बलसर कौरमकर ने, और इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आएंगे शालिनी वोल्टे, सैम कल्फ्रे, जैनफ्रेड थॉमस। लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस फिल्म की कहानी को लेकर। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये दो लोग एक नाव लेकर समुद्र में आ जाते क्यों हैं, जब पहले से ही उन लोगों को पता होता है प्रकृति का एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके चलते वो अंदर जाने के बाद उन्हें दिक्कत हो सकती है। ट्रेलर में कहीं से भी ये जाहिर नहीं किया गया कि आखिर ये दोनों लोग अंदर जा क्यों रहे हैं। इस फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। अच्छा, ट्रेलर देख के क्या लगा? ट्रेलर देख के मुझे स्टोरी कुछ समझ नहीं आई, पर एक्शन बहुत लग रहा था फिल्म। हाँ, अच्छा, फाइनली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे आपकी रिव्यूज़ अच्छे आने के बाद ही सोच? अच्छे आने के रिव्यूज़ अच्छे आने के एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म अच्छी होगी? होपफुली होगी, क्योंकि मल्टी स्टारर फिल्म है तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छी होगी। लेकिन मौका मिले तो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगे क्या? रिव्यूज़ अच्छे आने के बाद ही फिल्म देखना? मैं रिव्यूज़ आने के बाद ही देखूँ। एक्साइटेड है फिल्म देखने? हाँ, काफ़ी एक्साइटेड है। अच्छा, ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर बहुत ही बढ़िया था, ढांसू था एकदम, तो ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि
कब पिक्चर देखने जा रहे हैं। फाइनली आप देखेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे या फिर रिव्यूज अच्छे आने के बाद? अगर टिकट मिला तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो डेफिनेटली। तो हमने आपको बताया हनुमान वर्सेस महारावणा और एड्रिफ्ट के बारे में। लोगों में एक्साइटमेंट हनुमान वर्सेस महारावणा को देखने की है, एड्रिफ्ट को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। हमारे इस खास प्रोग्राम अमर उजाला द प्रीव्यू में बस इतना ही। आप देखते रहिए अमर उजाला टीवी।